ऑलराइट गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ बद्राणा के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मशरूम की खेती कैसे होती है, चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से खेती करते हैं और किस प्रकार से ये उगती है और कितनी महंगी होती है और ये किस किस काम आती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइड में भी बो रखी है, ये जो पीछे देख रहे हो, और इस साइड में भी बो रखी है। तो फ्रेंड्स, ये मशरूम के लिए खेती करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको सीखने के लिए कुछ तैयारियां भी करनी पड़ती है, तब जाके ये खेती होती है। तो चलिए मैं पहले अंदर से दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे दिखाई देती है और कैसे खेती होती है, ठीक है। तो अभी ये अंदर है, तो अभी अंदर चल के आपको दिखाएंगे, पिछले बैक कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं अंदर। देखिए इस प्रकार से ये मेहनत करी जाती है और ये है ना सेटअप तैयार किया जाता है जिसके अंदर खेती की जाए। और अभी देखो आपको दिखाएंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से बैच बना रखे हैं। सबसे नीचे बैच है ये, ठीक है। और चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये होती है। देखो कितनी ज़बरदस्त है। अभी ये छोटे बीज है, अभी जैसे ही ये बड़े होंगे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। और यह है सेकंड, यह है सेकंड है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, इस प्रकार से दिखाई देती है ये। यदि आप मशरूम की सब्जी खाते हो तो बीमारी जल्दी से लगती नहीं है, काफ़ी सेहत के लिए लाभदायक है। मशरूम पट्टियों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है फ्रेंड्स। देखो इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे ही देखोगे फ्रेंड्स लास्ट तक आपको यही दिखाई दे। क्या है, दो है, तीन है, चार है, और चार सेटअप बना रखे हैं। सबसे ऊपर ये है, इस सेटअप पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे बिजाई हुई थी, तो वो बाद में दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब बाकी इस साइड में आ चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं नीचे से दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और इसकी आप सब्जी भी बना सकते हो और अचार भी बना सकते हो, और ठीक है देख सकते हो आप, हाँ। और इसके जैसे आलू के परांठे बनाते हो, इस प्रकार से इसके भी परांठे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसकी खेती में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इसकी खेती आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो इसके बारे में कैसे की जाती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। यदि आप ये सब्जी खरीदना चाहते हो फ्रेंड्स, तब भी मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सब्जी लेना चाहते हो तो आ सकते हैं। तो मैं इसके ओनर से भी मिलवाऊँगा आपको, और किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं और उससे भी बात कराएंगे। तो ये है सुखबीर जी, जो बद्राणा के इसके ओनर हैं। सर आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल से, हाँ। तो यानी कि 3 साल से तो आपको अच्छा अनुभव हो चुका होगा, हाँ। खेती करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? करने में मेहनत करनी पड़ती है, इसमें लगभग 9 महीना लगते हैं। अच्छा, 11 महीने में लगकर फसल तैयार होती है। अच्छा, 11वें महीने में फसल तैयार हो जाती है, हाँ। तो आप इनको एक साथ करते हो या बारी बारी बीज डालते हो? ना, बारी बारी बीज डालना पड़ता है, जैसे एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन उसका। अच्छा अच्छा, आपके पास इतने कितने सेटअप बना रखे हैं जो जिनमें आप खेती करते हो? ये लगभग हमने 30 सेटअप बना रखे हैं, 45 फुट के लंबे हैं और 4 फुट के चौड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको लगता है मतलब इनसे क्या क्या फ़ायदा होता है, मतलब शरीर में, अगर यदि आप इसकी खेती करने के बाद में यदि कोई खाता है इसको तो क्या फ़ायदा होता है? इसमें बताई गई है, ये तो शुगर, कैंसर, बीपी, इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, बीपी वाला मरीज 5-7 दिन खाकर देखो, अगर उसे फर्क हो तो आगे खाओ, नहीं हो तो वैसे मत खाओ। अच्छा सर, आप यदि आपके पास कोई होलसेल में माल खरीदने आए तो आप उसको क्वांटिटी में दे सकते हो, तो फोन करें पहले आपको? हाँ, पहले संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा, इतना माल मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा, आप बुकिंग करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इतना माल इसका तैयार करना है, ये नहीं कि भाई एंड टू एंड आ गए माल तैयार है, पहले ऑर्डर देना पड़ेगा फिर माल तैयार मिलेगा, क्योंकि बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है हमें। अच्छा अच्छा, हमारे
रेवाड़ी बावड़ी 84 के अंदर बदराना गांव में ही फार्म है, और कोई फार्म नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली तक भी सप्लाई कर सकते हैं? कोई भी आ सकता है आपके पास, है ना? सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास 5-6 क्विंटल माल डेली पैसेंजर उतर जाता है। अच्छा, पहले आपसे संपर्क करना पड़ेगा कि भाई, संपर्क करना पड़ेगा, ऑर्डर यानी कि लगाना पड़ेगा कि भाई आप इतना माल मुझे आज चाहिए। अच्छा अच्छा, फिर आपको मतलब संपर्क करने के बाद में उसी प्रकार उसका माल हम तोड़ के धरेंगे। अच्छा अच्छा, बुकिंग नहीं होगी तो हम माल अपनी मंडी में ही घेरेंगे। अच्छा, पैकिंग करते हो क्या? हाँ, पैकिंग करते हैं। घर पे ही करते हो सारा कुछ? घर पे करते हैं सारा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ये आपको इतना मेहनत करने में, मतलब इतना सेटअप लगाने में आपको कितना महीने का टाइम लगा? लगभग 2.5 महीने का। अच्छा, 2.5 महीने का आपने ये तंबू वगैरह लगाए? लगाने के अंदर 2.5 महीने का टाइम लगे, 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा सर, ये बीज वगैरह आप कितने के लेके आते हो, कितना खर्चा बैठ जाता है? बीज लिया लगभग 40,000 रुपया का, सोनीपत से ले आए हैं ये। अच्छा अच्छा, सोनीपत से लेके आते हो? सोनीपत सरकारी वो है, इसका सरकारी खदान है। हाँ, वहाँ से लेके आते हो? वहाँ से लेकर आते। चला, आप और दिखाइए के किस किस प्रकार से ये कब बोया था, पीछे का साइड का और दिखाइए आप। हाँ, ये लास्ट में बोया था, कब बोया? लगभग 10वां महीने के लगाया हुआ है। अच्छा, ये अभी तो इसमें तो अंकुर नहीं आया? अंकुर नहीं आया अभी, इसमें लगभग 5-7 दिन और लगेंगे, यानी कि 5-7 दिन में आ जाएगा? आ जाएगा। चलो अच्छी बात है सुखवीर जी। और इसके बाद में अभी देखो मेरे को तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो शायद आ चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा। हाँ। वैसे ये कितने दिनों में हो जाती है खेती? मान लो ये बिजाई करने के बाद 1 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा, बिजाई करने के 1 महीने के बाद? हाँ। तो इसके ऊपर आपको कुछ डालना पड़ता है क्या? हाँ, गोबर का खाद डालना पड़ता है, ये 4 अंगड़। अच्छा, गोबर के खाद में डालते हो इसको? हाँ, नीचे 4-1 गिलास मशरूम। अच्छा, गोबर के खाद में फिर मशरूम लगाते हो ना? हाँ। अच्छा अच्छा, ये दिखाई दे रही ना, बिल्कुल। चलिए अभी दूसरी साइड में देखते हैं। नीचे भूसा गिर रखा है, ऊपर गोबर खाद है। अच्छा, भूसा गिर रखा नीचे? हाँ। आपने तो काफी मेहनत की है इसके लिए, तो मतलब पता है भूसा पड़े है 1-1.5 गिलास। अच्छा अच्छा, हाँ नीचे भी दिखाई देगा। हम इसे चावल की प्राल में भी तैयार कर सकते हैं, तोड़े में तैयार कर सकते हैं। अच्छा, चावल की प्राल में भी लगा सकते हैं इसको, है? हाँ। और तोड़े में भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बंद कमरे में भी लगा सकते हैं इसे। अच्छा, इसके लिए मतलब घाम लाभदायक है कि नहीं है? घाम लाभदायक नहीं है इसके लिए। अच्छा, घाम लाभदायक नहीं है? हाँ। वो वैसे इसलिए इसके लिए मतलब छाया करनी पड़ती है, जैसे ऊपर छाया कर दी है ना? हाँ। तभी ये ऊपर से बंद कर रखा है ना? ये सीली होगा। अच्छा, इसके अंदर कोई रोग वगैरह भी होता है क्या? इसमें कोई रोग नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे कोई कुछ दाने वगैरह लग जाए, कीड़ा लग जाए इसमें? तो जैसे देसी चीज़ है सारी, गोबर है, तूड़ी है। हाँ। तो सारा देसी ही सिस्टम है, इसमें जल्दी रोग लगते नहीं है। यानी कि ज़्यादातर देखा जाए तो फायदेमंद ही चीज़ है। फायदेमंद ही चीज़ है। हाँ, तो यदि घर में भी बना सकते हैं क्या सब्जी इसकी? हाँ, घर में यूज होती है। क्या क्या बना सकते हैं इससे? इसके आप सब्जी बना सकते हैं, इसका अचार डाल सकते हैं। अचार, यानी कि देखा जाए तो फायदेमंद वाली चीज है। हाँ, यानी कि कोई भी ले सकता है। और यदि थोक में लेना चाहे तो आपसे मिल सकता है, संपर्क कर सकता? हाँ, है संपर्क कर सकता है। उसमें थोक का रेट अलग मिलेगा और वैसा अलग मिलेगा? अलग मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सुखबीर जी। और आपका दूसरा जो लगा रखा है प्लांट वो दिखाएंगे? हाँ, वो दिखाएंगे। चलो, तो देखो दोस्तों, ये दूसरा प्लांट है जो आप देख रहे हो, ये जो अभी आप देख रहे हो दूसरा प्लांट है। चलो अंदर से देखते हैं इसके अंदर कितनी बिजाई हुई है और कितना तैयार हो चुका है माल। चलिए अभी देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये है,
इसकी अभी केसिंग चल रही है। अच्छा अभी इसका काम चल रहा है। हाँ इसमें बिजाई हो चुकी है। हाँ बिजाई हो चुकी है, इसकी केसिंग चल रही है, लगभग 5-10 दिन बाद में हिमालय चालू रहेगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा अभी इसके अंदर तो अंकुर नहीं आया है। अंकुर नहीं आया इसके अंदर। तो उधर भी सूखा सूखा माल है, वहाँ पे नहीं डाला क्या? पानी डालते हो क्या? डालते हो? पानी डालते हैं। अच्छा अच्छा तक माल मिल जाता है। अच्छा मई तक मिल जाता है। हाँ ठीक है। तो अच्छा जी सुखबीर जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप इतनी मेहनत करके आप है ना इतने बड़े सेटअप को आपने जमाया है और इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? यानी कि कोई काम अगर छोटा बड़ा है या नहीं है? छोटा बड़ा कुछ नहीं, करने वाला होना चाहिए। यानी कि पैसा कोई भी कमा सकता है। हाँ और एक बात और पूछना चाहूँगा जनता से, आप बता दीजिए यानी कि इस सेटअप के अंदर यदि कमाना चाहे तो कितना कमा सकता है? इसमें हम एक सेट के अंदर लगभग नहीं तो 5-7 लाख रुपया कमा सकते हैं। यानी कि एक सेटअप के अंदर 5-7 लाख रुपया कमा सकता है। कमा सकते हैं, उसमें खर्चा अपना लगभग नहीं तो 1-1.5 लाख लगेगा। अच्छा गुणा 4 गुणा उसी कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। हाँ। यानी कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी करनी पड़ेगी। और देख रेख करनी पड़ेगी, देख रेख करनी पड़ेगी, तब जाके ये सेटअप तैयार होता है। हाँ चलो अच्छा दोस्तों, आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।